बढ़ा सके, ठीक है। और फिर उसके एक स्टेप फर्दर हम गए, वो फोर्सेस जो डिस्ट्रीब्यूशन करा रही है उसको आइडेंटिफाई करना कि डिस्ट्रीब्यूशन एक मतलब एक आदमी को पूरी चीजें ना मिल जाए। जैसे हमने कहा ना ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ी कि जब हमारा अगर जितना प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ तो 73 रुपए सिर्फ एक आदमी के पास चला जा रहा है ना, 1% पॉपुलेशन के पास 73% इनकम चली जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। यानी कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं करवानी, तो दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो हम लोग ये फोर्सेज देख रहे हैं कि ये फोर्सेज अगर फाइनेंशियल सेविंग हो जाए तो हमारा प्रोडक्शन क्या है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेविंग आ जाए तो प्रोडक्शन हो ही जाएगा, अगला बंदा नहीं काम करना चाहता या काम करना चाहता है लेकिन उसको ऐसे इन्वायरमेंट नहीं मिले हैं कि वो काम कर सके, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे स्किल आया तो एजुकेशन इन्वायरमेंट में हो गया, फिर आपका फैमिली का क्या इन्वायरमेंट है, फिर आपका जो फ्रेंड्स है वो कैसे इन्वायरमेंट है, स्कूल में कैसी एजुकेशन दी जा रही है आपको, टेक्नोलॉजी कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट क्या है इकोनॉमिक्स के फील्ड में आ जाते हैं। तो वो आपको ऑब्जेक्टिव क्या है आपका देखना, कौन कौन से फोर्सेस है प्रोडक्शन करा रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस है प्रोडक्शन डिक्रीज करा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, समझ। तो आपका पर्सपेक्टिव भी जो है तो सोच क्या धीरे धीरे क्या होता है जो सोशल इश्यूज या सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में रियलिटी में देखिए तो ज्यादा डिफरेंस फिर नहीं हो पाता है। ऐसे लॉ पे चले जाइए, ऐसे ऐसे लॉ जो प्रोडक्शन को हिंड्रेंस करा रहे हो या ऐसे अच्छे लॉ जो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी होती है चीजें, मतलब एक अलग से चीजें नहीं होती, हर चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब है। तो इसलिए अब ज्यादा कोर्स जो चल रहे हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी चल रहे हैं कि ये भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए वो भी आना चाहिए क्योंकि रियलिटी को आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेविंग हमने क्या, लेकिन फाइनेंशियल सेविंग को हमने क्या कहा कि वो देखिए अब देखिए ये सेविंग करा दिया अब किसके किसके पास जा रही है, हमने कहा कॉर्पोरेट पीएसओ के पास है ना, और सेंटर, और ये बोला हमने कि जो पूरी इकोनॉमी की सेविंग आई उस सेविंग को कुछ लोग यूटिलाइज करना, हमने कहा ना कुछ बंदे खड़े हुए थे खाली पड़े हुए थे कि उनको काम करना है, तो ये लोग हैं जो उस सेविंग को यूटिलाइज कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। अब सेविंग कहां जानी चाहिए, जो उस रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूज कर सके वही जाए ना, अगर जो उसको खराब कर रहा हो वहां जाएगी तो फिर इकोनॉमिक्स फेल हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे 5% हमने कहा, यहाँ 2% यूज कर सकते हैं, 13% थी टोटल जीडीपी किसकी, 13% किसकी थी जीडीपी, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या, एक साल में जितना नया गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है ना डोमेस्टिक टेरिटरी में, ईईजेड इन्वॉल्व है, आगे बताएंगे जब जीडीपी में पढ़ाऊंगा। तो ये माने कि एक हमारे टेरिटरी के अंदर जितना नया गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उस पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च जितना प्रोड्यूस हुआ नया, पुराना नहीं इंक्लूड करेंगे, नया जितना प्रोड्यूस हुआ वो क्या हो गया हमारा जीडीपी, वो जो नया प्रोड्यूस हुआ उसका 13% क्या है, ये फिक्स नहीं है, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट जो है वो ईयर बाय ईयर क्या होता है चेंज होता है। मान लीजिए हमारी जिस साल इनकम डिक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर सेंटर 3%, ये 3%, ये आइडियल कंडीशन माना गया है। सेंटर को क्यों जरूरत होती है, मैंने देखा ना फिस्कल पॉलिसी जब उसमें देखा था, बजट पढ़ाया था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, रेगुलर काम के लिए तो उसने टैक्स ले लिया सैलरी वगैरह देने के लिए, लेकिन जब उसने कहा कि नहीं हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम भी पब्लिक सेक्टर, हम भी रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने उधार ले लिया, स्टेट को भी ऐसे उधार लेने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर स्टेट या सेंटर या कोई भी इसमें एलिमेंट, देखिए अगर कॉर्पोरेट सेक्टर मिस यूज करेगा तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर उस सेविंग को मिस यूज करेगा तो क्या होगा, मान लो सेविंग ले रहा है और प्रोडक्शन नहीं करा रहा है,
तो वापस कर पाएगा वो कभी? तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे है, ये एलिमेंट हो रहे हैं, जैसे पीएसयू हो गई, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई, वो अगर पैसा ले रही है वापस नहीं कर पा रही तो क्या होगा? इसको लॉस होने लगेगा, है ना। जब इसको लॉस होने लगेगा तो गवर्नमेंट से कहेंगे हमको मदद करो, है ना, मदद करिए हमको, हम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूस ही नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारे एफिशिएंसी इतनी नहीं है, सैलरी में इतना पैसा चला जा रहा है ना। सैलरी पता लगा है कि एक आदमी की दे एक दो दो लाख रुपए है, लेकिन वो आराम से बैठा हुआ है, तो लॉस होगा ना। प्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो वापस कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेंटर से लेकर, लेकिन सेंटर कब तक देगी? उसके खुद के खर्चे, सैलरी उसको भी देनी है, टैक्स हम कितना ले लेंगे, ले रहे हैं, तो वो क्या कहेगी, अब सस्टेनेबल नहीं, तो इसका डिसइन्वेस्टमेंट होने लगेगा कि जाओ तुम अब भी प्राइवेट, ले रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। और अगर सेंटर सही से नहीं यूटिलाइज कर रही है तो डेप्ट डेप्ट उसके क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर वो क्या कोशिश करेगी, टैक्स बढ़ाए, है ना, अभी लाफर कर देखेंगे, अभी वो टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी, लोगों पे टैक्स बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, अगर इनएफिशिएंट काम कर रही है सर, तो जब चुनाव आएगा तो क्या चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक फोर्सेस चल रही है, ठीक है। स्टेट का भी वही हाल है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी ऑप्टिमम से इधर उधर हुआ तो वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। तो अब इस फाइनेंशियल सेविंग को बेस्ट यूज करना है। बेस्ट कैसे यूज करना है, कि उस जगह जाए वह जहां पे प्रोडक्शन बेस्ट हो जाए। तो ये कहना कि इनको इतना मिल जाए, इनको इतना, इनको इतना, इनको इतना, और वो चीजें सस्टेनेबल बेसिस पे चल रही। अगर फिजिकल डेफिसिट, ये क्या है, जो उधारी ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही क्या है, राजकोषीय घाटा। यहां से जो भी इसको पैसा मिला वो उसका राजकोषीय घाटा। अगर यही ये 5 या 6% हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। यानी कि एफिशिएंट लोगों से आप ले रहे हैं और इनएफिशिएंट जगह आप, तो वो चीजें सही, क्लियर है। सर ये जो गोल्ड और लैंड फर्नीचर है, ये अगर हम खरीद रहे हैं तो ये हमारी सेविंग हो गई, क्योंकि उसको खरीद के रख रहे हैं। उसके बाद से अगर उसका प्राइस बढ़ता है, हम सेल कर रहे हैं, तो जिस प्राइस पे हम खरीदे थे उससे ज्यादा प्राइस पे हम बेच रहे हैं, तो वो हमारा इंटरेस्ट रेट हुआ ना, वो आपका रिटर्न हुआ, ठीक है। एक तरह से जो आप फाइनेंशियल सेविंग बैंक में डालते है ना, बैंक वाला ही लोगों को देता, तो ये लोग प्रोड्यूस करते और आपको पैसा वापस मिलता, है ना। देखिए अब दो यहाँ पे आया फिजिकल में, है ना, आपको रिटर्न मिला। रिटर्न कैसे मिला, रिटर्न आपको मिला मान लीजिए 10% मिल गया, लेकिन बैंक में आपको मान लीजिए 5% मिलता, ठीक है। यहाँ पे 10% मिल गया क्योंकि लैंड के प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज, तो आपने वो 10% हो गया। यहाँ पे आपने बैंकों में डाला, बैंक ने इन लोगों को दिया और उन्होंने 5% इंटरेस्ट दिया। कहाँ से इंटरेस्ट दिया, यहाँ तो प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ कैसे दिया इन्होंने? जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा उस प्रोडक्शन में एक हिस्सा निकाल के दिया होगा ना, कहाँ, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन में, किसमें से, इंक्रीज प्रोडक्शन में, ये इन्होंने वापस किया बैंकों ने, ये जो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन्होंने सामान प्रोड्यूस किया, उस इंक्रीज सामान में से कुछ हिस्सा बैंकों को दिया, इन लोगों को दिया, इन लोगों ने बैंक को दिया और बैंक ने आपको दिया, क्लियर है। लेकिन ये देखिए यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे आपको रिटर्न मिला इंक्रीज प्रोडक्शन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब देखिए हुआ क्या, क्यों ये ज्यादा बेटर है, यहाँ बेटर नहीं है, यहाँ प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, है ना। क्या पता ऐसे प्राइसेस इकोनॉमी कोलैप्स हो रही हो, या इसलिए, या प्राइसेस इसलिए हुए कि कोई जमीन इकट्ठा कर रहा हो, है लैंड माफिया हो जाता ना, कि एक जगह इकट्ठा करके स्कार्सिटी क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिले हैं वो इंक्रीज प्रोडक्शन से नहीं मिले, वो किसी की स्कार्सिटी से मिले रिटर्न, और यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज, ये ज्यादा, इसमें सिर्फ आपका फायदा हुआ और दूसरे के नुकसान से,
यहाँ पे सबका फायदा हो, क्लियर है? तो ये रूट कम सही है और ये रूट ज्यादा सही है। वो भी है, फिर सर्कल कैसे चलेगा? आप प्रोडक्शन ही नहीं करा पाएंगे। हाँ, जब प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कराएंगे तो आप ये चीजें, मतलब ये लैंड तो गॉड गिफ्टेड है या जो भी है ना, वो आपको, मतलब हम लोग नेचर का ही यूज करेंगे, अपना यूज नहीं कर पाएंगे। जो प्रोड्यूस कराया है वो नेचर से ही, मतलब नेचर ने जो दे दिया उससे हम सेटिस्फाइड हो गए, हम अपनी एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे, क्लियर है? तो वो इंडिकेट करता है कि किस डायरेक्शन से आपको रिटर्न मिला, रिटर्न आप कहां से लेना चाह रहे हैं, ठीक है? तो क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर है? ठीक है, और भी फर्दर हम लोग जाएंगे जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे। हाँ सर, जब फाइनेंशियल सेविंग इतना ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है तो सर 13% के आसपास ही सुना है। हाँ, मैंने बताया ना कि कोशिश, जैसे आरबीआई कोशिश करता है कि सेविंग को बढ़ा दे, मनी सप्लाई क्या है बढ़ा के, लेकिन रियल चीजों को आप कैसे सही कर पाएंगे? मतलब मान लीजिए आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हाँ सर सिलेक्शन ले लीजिए, क्या दिक्कत, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? वो जो रियल चीजें हैं वो जल्दी सही नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए, है ना भाई? जैसे यूएस डेवलपर, यूएस की पर कैपिटा इनकम हमारी तो $2,000 है ना, उसकी मान लीजिए अगर $30,000 है ना, हम भी पहुंच जाए वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस करा के, लेकिन क्या अंतर है, है ना? वो ऐसी रियल चीजें हैं वो जल्दी आ नहीं, उसके लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं, मॉनेटरी और रियल फोर्सेस। मॉनेटरी फोर्सेस मैं कीन्स की थ्योरी जब पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तो जब इम्प्लॉयमेंट वगैरह में आएंगे तो मॉनेटरी फोर्सेस से भी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री मैंने नहीं पढ़ाया, आप फिजिकल डेफिसिट बढ़ा के या मनी सप्लाई बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं? जैसे कई बार कई लोगों ने कहा कि कोरोना के पीरियड में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे छापने चाहिए, प्रिंट मनी ज्यादा करें, प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब इकोनॉमी में आएगा तो वो डिमांड क्रिएट करेगा। तो मनी मॉनेटरी फोर्सेस भी प्रोडक्शन इंक्रीज करा सकती हैं और रियल फोर्सेस तो कराती ही कराती हैं, लेकिन मॉनेटरी फोर्सेस की अपनी लिमिटेशंस हैं। जिस लिमिट पे आके रियल फोर्सेस ने कहा कि अब नहीं, तो फिर मॉनेटरी फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वो कुछ भी नहीं करा सकती, क्लियर है? तो रियल फोर्सेस फंडामेंटल बेस है जो कि प्रोडक्शन कराती हैं। मॉनेटरी फोर्सेस थोड़ा बहुत आप इंक्रीज मनी सप्लाई या प्रिंट करके मनी आप प्रोडक्शन इंक्रीज करा सकते हैं डिमांड के, लेकिन परमानेंट बेसिस पे नहीं करा सकते। तो सेविंग इंक्रीज कराना वो लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है, और लॉन्ग टर्म जब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बात समझ रहे हैं? आपकी एजुकेशन सिस्टम, आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिविटी माइंड की, क्लियर है? ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए लाया गया था ना कि फाइनेंशियल सेविंग को बढ़ाया जाए। बिल्कुल।